प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास थर्ड, सब्जेक्ट उर्दू, टॉपिक राखी का त्यौहार। बच्चों, इस सबक में जो मुश्किल अल्फाज आएंगे वो पहले ही से ऊपर दिए गए हैं। बंधन, पड़ोसी, ओहद, रंग बिरंगी भीड़। बंधन मीन्स रिश्ता, ताल्लक। पड़ोसी का तो आपको पता ही है कि जो हमारे इर्द गिर्द लोग रहते हैं हमारे पड़ोसी कहलाते हैं। ओद मीन्स वादा लेना। रंग बिरंगी मीन्स कई रंगों की। भीड़ का भी तो आपको पता ही है कि जिस जगह पे बहुत सारे लोग जमा हों वहाँ भीड़ लग जाती है। तो राखी का त्यौहार, राखी का त्यौहार जो है ये ज़्यादातर हिंदू लोग मनाते हैं। तो चलो आज हम सबक पढ़ेंगे। बच्चों, आज राखी का त्यौहार है। ये त्यौहार भाई बहनों का त्यौहार है। आज के दिन बहनें दुकानों से खूबसूरत चमकदार और रंग बिरंगी राखियां खरीद कर भाइयों की कलाइयों पर बांधती हैं। राखी के त्यौहार पर क्या होता है, जो बहनें होती हैं वो अपने भाइयों की कलाइयों पर खूबसूरत खूबसूरत राखियां बांधती हैं। उसके बदले में भाई उन्हें खूबसूरत तोहफे देते हैं। देखो आज बाज़ार में कैसी रौनक है। बच्चे, जवान, बूढ़े सब मिठाइयाँ खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि आज राखी का त्यौहार है। मोहन ने मिठाई और फलों की एक टोकरी खरीदी। टोकरी पर रंगीन कागज़ चढ़ाया और अपनी बहन उषा के घर पहुंचा। रोहन ने क्या लिया? मिठाइयाँ ली और फलों की टोकरी ली और टोकरी को सजाया, उस पर रंगीन कागज़ चढ़ाए और अपनी बहन उषा के घर चला गया। उषा भाई के आने से बहुत खुश हुई। मोहन ने उसे मिठाइयाँ और फलों की टोकरी दी। उषा, जब उसका भाई उसके घर पे आया तो उसकी बहन जो उषा थी वो बहुत खुश हो गई और उसके भाई ने उसे मिठाइयाँ और फलों की टोकरी दी। उषा एक थाली में राखी और तिलक का सामान रख कर ले आई। उषा ने क्या किया? एक थाली में राखी और तिलक का सामान रख कर अपने भाई के पास ले आई। उसने भाई की कलाई पर राखी बांधी। क्या बांधी? राखी। फिर उसके माथे पर तिलक लगाया। उसके माथे पर क्या लगाया? तिलक। और दुआ की कि मेरा भाई जुग जुग जिए। और अपने भाई के लिए उषा ने क्या किया? दुआ मांगी अल्लाह से कि ए अल्लाह, मेरा भाई जुग जुग जिए, यानी कि इसकी लंबी उम्र हो। इससे आगे कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।